हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? अभी देखिए शाम हो चुका है और मेरा गांव का नज़ारा देख लीजिए। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो बस देखिए मैं कैसे मिट्टी के चूल्हे पे सब्जी बनाऊंगी। ये सारा सामान मैंने ला रखा है। और यहाँ पे देखिए मैं किस तरह चूल्हे में आंच लगा रही हूँ। ये लकड़ी बहुत उलझी हुई रहती है, तो इसे एक एक करके धीरे धीरे करके सुलझा कर डालना पड़ता है। आज मैं बेसन की सब्जी बनाऊंगी, तो मेरे पास जो जो अभी सामग्री उपलब्ध है मैं उसी से बनाऊंगी। तो बस देखिए, मैं सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी चूल्हे पे। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि पानी गर्म हो जाए। फिर इसमें मैं बेसन जो सानूंगी उसे उसका गोला बनाकर इसमें डाल दूँगी। इसके लिए मैंने बेसन लिया है और मसाला है, प्याज वगैरह ये सब है। जितने मसाला डालूँगी सारे यहीं पे सारे सामान है। मैंने इसमें हल्दी डाला, इसमें थोड़ी नमक डालूँगी, थोड़ी जो गोल की जीरा लाल मिर्च वाले मसाले हैं वो भी थोड़ी सी डाल दूंगी। हल्दी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैं दोबारा थोड़ा सा और डाल दी। ये देखिए मैंने लाल मिर्च, गोल की जीरा, लहसुन सब एक ही में पीसा था, तो ये भी थोड़ी डाल दूंगी। और इसे फिर धीरे धीरे मिक्स करके थोड़ा सा तेल भी डालूंगी इसमें। और फिर इसे धीरे धीरे मिक्स करूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इसे सानने में थोड़ी टाइम लग जाती है इसलिए मैंने पानी पहले ही गर्म करने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में, ताकि मैं जब तक इसे सानूंगी तब तक पानी गर्म हो जाएगी अच्छी तरीके से। हाँ ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। मैं इसमें गोले बनाकर, दो चार पांच गोले बनेंगे इसके, मैं उसे बनाकर इसे उबालने के लिए डाल दूंगी कढ़ाई में।
मैं इस तरह हाथ में तेल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि तेल लगा कर इसे गोला बनाने में थोड़ा सुविधा हो जाता है, हाथ में चिपकता नहीं है, आसानी से बन जाती है। ये देखिए मैंने इस तरह से 5-6 लंबे लंबे गोले बना लिया। अब मैं इसे डाल दूंगी। और इसे 6 से 6-7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से उबल जाए। और ये देखिए ये धीरे धीरे उबल रहा है। थोड़ी देर और मुझे इसी तरह छोड़ देना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरा अभी उबला नहीं है। ये देखिए ये पूरी तरीके से उबल चुका है, तो मैं इसे थोड़ी एक एक करके अब निकाल लूँगी धीरे धीरे। कढ़ाई को फिर से मैंने थोड़ा साफ कर लिया है और इसे मैं धीरे धीरे छोटा छोटा इसका कट पीस बनाऊंगी। इसे इस तरह छोटा छोटा काट लेना है। ये देखिए मैंने पूरा काट लिया। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। इसे फ्राई करने के लिए तेल गरम हो चुका है, तो अब मैं इसे थोड़ा फैला लेती हूँ तेल को कढ़ाई में, ताकि वो जब मैं बेसन का जब गोला मैं इसमें पीस जब डालूँ तो ये सटे ना। इसीलिए अब मैं इसमें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी।
देखिए ये पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे निकाल दी और फिर से और जो बचा हुआ वो डाल दूँगी। अब इसे भी फिर फ्राई करके निकालूँगी। देखिए मैंने हरी मिर्च लिया है, जीरा लिया है और कटी हुई प्याज है, ये तीनों मैं डालूंगी। पहले जीरा का फ़ौरन डाला मैंने, फिर मिर्च डालूंगी, फिर प्याज डाल दूँगी। मिर्च मैंने एक ही डाला है क्योंकि लाल मिर्च मैं पीस के ही डाली हूँ। इसे थोड़ा देर लाल करूंगी। जब तक ये लाल नहीं होगा तब तक इसे इसी तरह भूनना है, चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट लगेगा इसे थोड़ा ब्राउन होने में। देखिए ये ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। उसके बाद ये गोल की जीरा, लहसुन और लाल मिर्च इसमें डाला है, ये मैं सारा डाल दूँगी। सारे मसाले मैंने एक में ही पीस रख लिए थे। आधा तो नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। देखिए इसे इस तरह चलाना है, थोड़ा देर मसाला को पकाना है। अब देखिए ये पूरी तरीके से लाल हो चुका है। मैं इसमें थोड़ी चाट मसाला भी डाल दूंगी, ऐसे सब नहीं डालते, मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टमाटर भी नहीं था इसमें। टमाटर भी पड़ता है लेकिन मेरे पास था ही नहीं, तो मैं यही डाल दी टेस्ट के लिए।
अब मैं इसमें पानी डालूंगी, उसके बाद पानी में जब वो उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें देखिए बेसन इस तरह डाल दे रही हूँ। बेसन का जो फ्राई किया हुआ पकौड़ी था इसमें डाल दूंगी और बस थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ी देर ढक के रखना है क्योंकि इसका रस अभी बहुत ही पतला है। अब देखिए इसे, ये तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी?